सो वेलकम बैक। तो आप लोग को पता ही होगा मैं यहाँ पे क्यों हूँ। यहाँ पे आप लोग के लिए स्क्रीन पे रखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दैट्स वाई अपने इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यही चीज़ से बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं क्लास। धंधा ही है जो सब चीज़ करवाता है। धंधा है ऐसा है जो वॉर भी करवाता है, धंधा ऐसा है जो पीस भी करवाता है। इसलिए आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाई इट ओनली अकर्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी, क्यों इंग्लैंड पावरफुल हुआ था। आप इतने सारे यूरोपियन स्टेट्स देखते हो, इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज देखते हो, वहां पे इंग्लैंड ही क्यों ऐसा था जो पावरफुल हो गया था, क्यों फ्रांस नहीं हो पाया था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब आपको पूछने लगे हैं क्लास ये लोग, जैसे कि आपके हिस्ट्री में एक चीज है पानीपत के युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आप लोग मुझे बताइए कमेंट कर कर के, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल किन किन के बीच में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। लेकिन अब यूपीएससी इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, अब यूपीएससी इस पे कॉन्सेंट्रेट करती है कि सभी बैटल पानीपत के क्षेत्र में क्यों हुई है, पानीपत की जगह ही ऐसी क्यों है जहां पे सब बैटल हुए हैं। आप देखिए पंजाब हरियाणा का जो रीजन है ना, वहां पे मोस्टली सब बैटल हुए हैं। महाभारत का वॉर, कुरुक्षेत्र का वॉर हरियाणा, ओके, पानीपत हरियाणा, फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का बैटल हरियाणा, पंजाब का क्षेत्र, वहां पे ही क्यों हुए हैं बैटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं ये लोग। लेकिन अपना कॉन्सेंट्रेशन इस पे रहेगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में ही सक्सेसफुल क्यों गया था, क्या चीज थी। मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम पे 15 सेंचुरी के अंदर रेनाइसेंस जैसी चीज आ गई थी। क्या आ गई थी क्लास, रेनाइसेंस मतलब थियरी ऑफ लॉजिक, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे बहुत सारे इन्वेंशंस देखते हो और उसी इन्वेंशंस की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पेस मिल जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था, उसके रीजन, फर्स्ट रीजन मैंने लिखा है ज्योग्राफिकल रीजन। कोई भी चीज के लिए ज्योग्राफिकल रीजन बहुत जरूरी है क्लास। कोई भी कल्चर पे बढ़ावा देता है वहां की ज्योग्राफी, आप लोग को पता होगा। जैसे आपका गुजरात है, ओके, गुजरात में आपको पता होगा कि भी पोर्ट एरिया है, इसलिए यहाँ के लोग धंधेदार हैं, धंधे वाले हैं, धंधा ज्यादा करते हैं, बिजनेस ज्यादा करते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट एरियाज है, इसलिए यहाँ पे लोग बिजनेस को एक क्या मानते हैं, बहुत ही उम्दा तरीका मानते हैं। सिमिलरली व्हेन यू गो टू नॉर्थ, तो आपको पता होगा पंजाब हरियाणा राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पे लोग लड़ाकू लोग हैं, ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे लड़ाइयाँ बहुत हुई है उस क्षेत्र में। तो ज्योग्राफिकल रीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर मैंने लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन इंग्लैंड विथ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। आई होप आप लोग को पता होगा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी किसको कहते हैं। इंग्लैंड में लेबर्स अच्छे मिल जाते हैं, लेबर्स क्यों अच्छे मिलते थे वो अपने देखेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्डर इन ब्रिटेन, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए क्लास, जैसे ही सरकार बदलती है ना, शेयर मार्केट पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर सरकार स्टेबल रहती है तो शेयर मार्केट भी स्टेबल रहता है। पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है, पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपकी पॉलिटी ही अच्छी नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छे से नहीं चलेगी। वहां पे कोई भी सरकार 5 साल तक टिकी ही नहीं है, वहां पे कोई भी सरकार 5 साल तक टिकी ही नहीं है, पॉलिटी स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे पॉलिटी स्टेबल थी, दैट्स व्हाई इकोनॉमी भी स्टेबल थी। तो फर्स्ट अपने आते हैं ज्योग्राफिकल रीजंस पर, ओके, क्या लिखा है, इंग्लैंड हैड द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक पोर्टलैंड, सेंट मैरी, ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंग्लैंड के पास, ओके, इंग्लैंड के पास बहुत ही अच्छे पोर्ट एरियाज थे, ऐसे पोर्टलैंड, सेंट मैरी। जैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, ये देखिए, ये इंग्लैंड है क्लास, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये रहा ये, ओके, पूरे यूनाइटेड किंगडम है, उसमें एक इंग्लैंड है,
आपको पता होगा कि इंग्लैंड में, मैंने यहाँ पे करंट्स बताया है, ओशन करंट्स, आपको पता होगा कि गल्फ स्ट्रीम जो गर्म करंट है वो इंग्लैंड तक जाती है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि क्लास ये गल्फ स्ट्रीम जो गर्म करंट है इंग्लैंड तक जाती है, तो ये इंग्लैंड के पोर्ट्स है, इंग्लैंड के पोर्ट्स है वो विंटर में भी चालू रहते हैं, फ्रीज होते नहीं है, जबकि कनाडा के पोर्ट्स आप देख सकते हो लैब्राडोर करंट से जो है वो जम जाते हैं, जबकि इंग्लैंड के जो पोर्ट्स है जहां पे गर्म पानी जाता है, गर्म पानी ओशन का, आपको ओशन करंट्स ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भले ही ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है लेकिन ये हिस्ट्री में भी यूज होता है, इसको कहते हैं इंटरलिंकिंग मेथड। अगर आपकी इंटरलिंकिंग अच्छी है यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द यूपीएससी। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो गर्म करंट है वो इंग्लैंड तक जाता है, जिसकी वजह से उसके उनके पोर्ट्स फ्रीज होते नहीं थे, जो बहुत ही अच्छी चीज थी। ओके, पोर्ट्स फ्रीज नहीं होते थे इसलिए पूरे साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बनना चलता था, क्योंकि आइलैंड था तो इनको बहुत अच्छे पोर्ट्स मिल जाते थे। दूसरी चीज, यही रीजन है कि यहां पे गर्म करंट जाता है, ओके, ओशन का गर्म करंट जा रहा है, वार्म करंट जिसको कहते हैं, जो मॉइस्चर लेके जाता है, क्या लेके जाता है क्लास, मॉइस्चर लेके जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर लेके जाता है मतलब बरसात भी हर रोज गिरेगी वहां पे, डेली रेन। ओके, आपको पता है इंडिया में तो मॉनसून सीजन है, मतलब ये चार महीने ही बरसात गिरती है, लेकिन इंग्लैंड ऐसा एरिया है जहां पे हर रोज बरसात गिरती है, हर रोज बरसात गिरती है इसलिए क्लाइमेट ह्यूमिड रहेगा। अब क्योंकि क्लाइमेट ह्यूमिड रहेगा तो ह्यूमिड क्लाइमेट इज नेसेसरी फॉर द कॉटन इंडस्ट्रीज। किसके लिए अच्छा रहेगा? कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए तो गुजरात में अच्छी कॉटन इंडस्ट्रीज थी क्लास, क्योंकि यहां पे भी ह्यूमिड क्लाइमेट, पोर्ट एरियाज, आपको पता होगा कि गुजरात का जो पोर्ट एरियाज है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है पूरे इंडिया में, इससे गुजरात में कॉटन इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करिए इंग्लैंड, सेम, क्लियर? तो दो रीजन हो गए, वार्म करंट लेके जाता है गर्म पानी, जिसकी वजह से पोर्ट्स भी खुले रहते हैं, फ्रीज नहीं होते, और ये वार्म करंट रेन लेके जाते हैं, बरसात लेके जाते हैं, मॉइस्चर लेके जाते हैं, हर रोज बरसात गिरती है, दैट्स वाई ह्यूमिड क्लाइमेट कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा। तो ये ज्योग्राफिकल रीजंस है। फिर रॉ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, रॉ मटेरियल, क्लास रॉ मटेरियल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप, रॉ मटेरियल की वजह से डेवलपमेंट होता है। एंशियंट टाइम पे मगध डेवलप था, क्यों था? क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल मिला था, आयन, आयन एज। ये मॉडर्न टाइम में इंग्लैंड में अच्छा क्या मिलता था? कोल, कोल वॉज द स्पाइन ऑफ इकोनॉमी एट दैट टाइम, कोल वॉज द स्पाइन ऑफ इकोनॉमी, दैट्स वाई वी कैन सी द अर्बनाइजेशन इन इंग्लैंड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। आज के टाइम पे अरब ऊंट पे घूमते थे एक टाइम पे, लेकिन वहां पे क्या मिल गया? क्रूड ऑयल, इंटरलिंक, दैट्स वाई अरब कंट्रीज भी आज ऊंट से कहां गई है? मर्सिडीज पर आ गई है, हबीबी कम टू दुबई। अर्बनाइजेशन, रीजन रॉ मटीरियल, इंग्लैंड में कोल, मगध में आयन मिला था उस वक्त, और अरब में क्रूड ऑयल। आप देख सकते हो क्लास, ये तीनों तीन रॉ मटेरियल है वर द स्पाइन फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एट दैट टाइम। देखिए, क्लियर? तो ये दो चीज बहुत ही अच्छी थी। इंग्लैंड में बहुत सारे अच्छे कोल एरियाज थे, जिसको अपने बोलते थे यॉर्कशायर, यहां पे अच्छा कोल्स वगैरह मिलता था। तो रॉ मटेरियल इंग्लैंड में बहुत अच्छे थे। आने वाले टाइम पे जर्मन एरियाज में भी अच्छे कोल और आयरन निकलने लगे, इसलिए आपको पता है कि जर्मन की कार्स भी बहुत अच्छी होती है, जर्मन कार्स। ओके, यह मैंने लिखा है आइडियल कंडीशन ऑफ कॉटन स्पिनिंग बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, वार्म ओशन करंट। नेक्स्ट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विथ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। क्लास
इंग्लैंड क्योंकि पोर्ट एरियाज है तो वहां पे बिजनेस क्लास जो है वो पावरफुल है। कैसी है? पावरफुल है। जैसे गुजरात है वो भी पोर्ट एरियाज है, तो यहां पे भी देखना शांति प्रिय लोग ज्यादा है और बिजनेस क्लास ज्यादा है, अंबानी अदानी ओके, पारसीज भी जितने हैं, पारसी जो बहुत ही अच्छी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी गुजरात में आई थी ओके, बिजनेस क्लास बिकॉज ऑफ पोर्ट। तो क्लास यहां पे ऑलरेडी बिजनेस क्लास स्ट्रांग थी, इसलिए बिजनेस क्लास क्योंकि स्ट्रांग थी यहां पे तो यहां की पब्लिक के अंदर भी ये विचारधारा थी। आपको पता होगा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब फ्री ट्रेड। इसके फीचर्स बता देता हूं, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, प्रॉफिट प्रॉफिट चाहिए अपने को। दैट्स व्हाई आपको पता होगा कि 1215 के अंदर किंग जॉन थे, 13 सेंचुरी लिखा है, वो वहां पे मैग्ना कार्टा लेके आए थे। क्या लेके आए थे? मैग्ना कार्टा, जो बेसिक राइट्स की बात कर रहा था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं चार्टर। इसकी पूरी स्टोरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बेसिक राइट्स की बात की थी और वहां पे फ्यूडल जो राइट्स थी, फ्यूडल राइट्स उसको कम करने में आया था, स्लेव्स को भी राइट्स देने में आई थी ओके, खास करके जो उनके सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनको राइट्स देने में आई थी। तो ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी थी, मतलब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी थी। दैट्स वाई हुआ क्या था कि वहां पे ओके बेसिक राइट्स की बात हो गई थी, इससे लोगों में, बेसिक राइट्स की बात करेंगे इससे लोगों में फ्रीडम थॉट्स आने लगेंगे। और फ्रीडम थॉट्स आते हैं आपके अंदर, इसका मतलब धीरे 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 आप ओके कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जाते हो, लिबर्टी की तरफ जाते हो। दैट्स व्हाई अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। नो डाउट उस वक्त पार्लियामेंट भी बनाई गई थी, लेकिन पार्लियामेंट में इलेक्शन नहीं था। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते थे? कैपिटलिस्ट क्लास बैठती थी ओके। मैं वापस से बता देता हूं, पार्लियामेंट में कैपिटलिस्ट क्लास बैठती थी आने वाले टाइम पे, और फ्यूडल कास्ट, जमींदार वहां के, और बिजनेस क्लास, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पे देते थे ओके। कैपिटलिज्म लिबर्टी की बात करता था, ह्यूमन राइट्स की बात करता था, ये सब की बात करता कि फ्रीडम दो, ह्यूमन राइट्स दो, फ्रीडम दोगे तो ही लोग खरीदेंगे प्रोडक्ट्स को, तो ही हमारा माल बिकेगा। वही होता है, लड़कियों को जींस पहनने की फ्रीडम दो, लड़कों को घूमने जाने की फ्रीडम दो, जिसकी वजह से दो इंडस्ट्रीज चलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज। विमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों करते हैं? क्यों लड़कियों में अलग अलग फैशन आती रहती है? लड़कों में अपने देखो ये पैंट शर्ट, लड़कियों में अलग अलग फैशंस, क्यों? क्योंकि वो फैशंस आएगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलेगी। क्लियर? तो क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटलिज्म होने लगा, दैट्स व्हाई वहां पे आइडियोलॉजी भी पब्लिक में कौन सी आने लगी? कैपिटलिस्ट। जैसे कि पता है इंग्लैंड के लोग जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने 3 पॉलिसी का यूज किया था, तुरंत ही उन्होंने राज करना इंडिया में शुरू नहीं किया। फर्स्ट पॉलिसी देखिए इनकी क्या थी, किंग मेकर। बैटल ऑफ प्लासी याद करिए, बैटल ऑफ बक्सर याद करिए, ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली राजगद्दी नहीं छीनी थी बंगाल की, नहीं, उनको राज नहीं करना, उनको पैसा कमाना है, कैपिटलिस्ट। इसलिए पहले वो बैटल ऑफ प्लासी याद करिए, किंग मेकर की फॉर्मूला यूज करते थे। मीर जाफर को कहा था तुझे किंग बनाएंगे, तू हमें पैसे देना, याद आया? मीर जाफर को किंग बनाया, मीर जाफर ने गिफ्ट्स दी, वो गिफ्ट से उन्होंने माल खरीदा। फिर सेकंड उन्होंने यूज किया सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली, कहा कि भाई आज के बाद से जो किंग हमारी प्रोटेक्शन ले रहा है वही हमारी आर्मी को मेंटेन करेगा, पैसे बच जाएंगे इन लोगों के और वो पैसे वो माल खरीदने में यूज करेंगे। समझिए आप, जो किंग सब्सिडरी अलायंस साइन कर देता है वो किंग को ही ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी उसको प्रोटेक्शन दे रही थी
और सैलरी ब्रिटिश आर्मी की ये किंग ही देता था बेचारा, जिससे सब्सिडी अलायंस साइन की है। तो ब्रिटिशर्स के तो पैसे बच गए, उससे वो धंधा करेंगे। और थर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कि पैसे बचाओ कुछ भी करके और वो पैसे धंधे में लगाओ। ओके, फिर आपको पता है कि इंग्लैंड के लोग वॉर शेयर्स देते थे। आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वॉर शेयर्स देती थी, वॉर शेयर्स, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। 1694 में वहां पे स्टॉक एक्सचेंज खुल गया था क्लास। ओके, यही है मुझे परफेक्ट ईयर, तो ये यही है, 1694 ही है। चलो ये काम का भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉक एक्सचेंज जो 1694, तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर शेयर्स देना शुरू किया था। आपको ये याद रखना है, वॉर शेयर्स में होता क्या था, वहां की पब्लिक को कहते थे क्या, वॉर में इन्वेस्ट करो, अगर हम जीतेंगे तो हम उसका दुगना दाम देंगे, 21 दिन में पैसा डबल। वॉर शेयर्स देती थी पब्लिक को, शेयर देती थी, स्टॉक्स, शेयर मार्केट। ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर्स बेच रही है पब्लिक को, पब्लिक शेयर खरीदती थी और कंपनी के हाथ में पैसा आता था, वो पैसा कंपनी वॉर में लगाती थी। मतलब कंपनी वॉर कर रही थी तो खुद के पैसों से नहीं, पब्लिक के पैसों से। ब्रिटिश पब्लिक को पैसा, अगर ब्रिटिश पब्लिक से पैसा लेना है तो ब्रिटिश पब्लिक से क्या करवाओ, उनसे वॉर शेयर्स खरीदवाओ। ब्रिटिश पब्लिक वॉर शेयर्स खरीदेगी, शेयर्स खरीद रहा हूं मैं, आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो पैसा जो होता है वो किसके हाथ में जाता है, वो कंपनी के हाथ में जाता है, पता चला। फिर वो कंपनी उसको प्रॉफिट में लगाती, तो जितने भी पैसे आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर्स बेचती थी ब्रिटिश पब्लिक को, वो उनसे पैसे लेती थी और वो पैसा वो वॉर में लगाते थे, वॉर जीत जाते थे। मतलब देखो, कंपनी खुद का पैसा यूज नहीं कर रही वॉर में, पब्लिक के पास से पैसा ले रही है और वॉर जीत जाते थे, क्लियर। वहां के राजा से पैसा वसूलते थे गिफ्ट्स ले लेके, ओके, और थोड़ा पैसा फिर पब्लिक में बांट देते थे। देखो कितने होशियार लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें पहले से क्या था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, समझिए आप। फिर नेक्स्ट है इंग्लैंड में लेबर क्लास। इंग्लैंड में बेसिक राइट्स की बात होने लगी थी, दैट्स व्हाई लेबर भी, आप लोग को पता होगा वहां पे फ्री थे और बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन अलग अलग मशीन्स बनने लगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी रिवॉल्यूशन देखने मिला, एग्रीकल्चर में भी मशीन्स आने लगी। अब आपको पता होता है जब एग्रीकल्चर में मशीन्स आने लग जाती है, समझिए, जब मशीन का यूज होता है तो ह्यूमन का यूज कम हो जाता है। तो वहां पे भी यही हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, मशीन्स का यूज होने लगा एग्रीकल्चर में बेटा, जिसकी वजह से वहां के जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स जमींदार, उन्होंने क्या किया, 5-6 लैंड्स को मर्ज कर दिया। अलग अलग फार्मर्स की होती है, उनकी लैंड को मर्ज कर दिया, मर्ज करके मशीन्स का यूज किया। अब मशीन्स का अगर आप यूज करोगे तो पहले आपको 6 जन चाहिए थे खेती करने के लिए, लेकिन अब तो मशीन आ गई है। क्या आ गई है, मशीन आ गई है, तो अब मशीन वो काम कर देगी। तो पहले जो आपको 6 जन चाहिए थे खेती करने में, अब आपको वो 3 जन ही चाहिए होंगे। तो ह्यूमन लेबर जो था, ह्यूमन लेबर एग्रीकल्चर के अंदर, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर के अंदर वो कम हो गया। अब बेचारे जो पहले 6 जन खेती करते थे, मशीन आने से वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो लोग काक पे काम करने लगे, इंडस्ट्रीज। जब मैं पहले खेती करता था लेकिन अब मशीन आ गई तो अब मैं अनएम्प्लॉयड हो गया हूं, तो मुझे कहां पे काम करना पड़ा, इंडस्ट्रीज के अंदर।
तो लेबर आसानी से मिल गई वहां के बिजनेसमैन को। एनक्लोजर एक्ट, वहां का एक एक्ट है, एनक्लोजर एक्ट ने क्या किया था कि भाई अगर कोई लैंडलॉर्ड 10-15 जमीनों को एक कर देता है, ओके, 10-15 गांव को भी एक कर देता है, क्लियर, जिसको बोलते हैं एनक्लोज करना, ओके, मर्ज करना, तो वो वैलिड गिना जाएगा। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मीन्स लेस फार्मर्स, ओके, मशीन आ गई तो ह्यूमन जो था, ह्यूमन पावर, मैन पावर की जो जरूरत थी वो कम हो गई, और यही मैन पावर जो पहले खेती का काम करते थे, अब यही मैन पावर अब कहां पे बेचारे जाने लगे, इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर्स, ओके, हेंस दे बिकम लेबरर्स। समझिए, मशीन आई, दैट्स वाई क्या हुआ, लोगों ने खेती में काम करना बंद किया क्योंकि वहां पे मशीन आ गई है। इससे देखो कितने होशियार थे, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पहले किया कि भाई फार्मर्स जो होते हैं वहां पे अगर मशीन्स आ जाएगी तो फार्मर्स को अब खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन काम कर लेगी, वो लोग खुद वर्कर्स की तरह काम करेंगे इंडस्ट्रीज। लास्ट ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में 1688 में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में, जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था। कौन सा रिवॉल्यूशन था? ब्लडलेस। जबकि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हो, रशियन रिवॉल्यूशन देखते हो, उसमें खून बहा था, इसमें खून नहीं बहा था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसमें क्या था, इसमें एक चीज हुई थी क्लास, एक किंग था, किंग चार्ल्स, ओके, ये कांस्टेंट वॉर करता था। क्योंकि ये कांस्टेंट वॉर करता रहता था, अब आपको पता है कांस्टेंट वॉर मतलब धंधे में नुकसानी, कोई भी धंधाधारी इंसान वॉर नहीं चाहता, अहिंसा चाहता है। इसलिए आपको पता है इंडिया में भी जैनिज्म और बुद्धिज्म वॉर नहीं चाहते, धंधा चाहते हैं। इससे ज़्यादातर आपको पता है कि जैन पब्लिक होती है वो धंधा करती है और नॉन वायलेंस में मानती है। तो कॉन्स्टेंट वॉर्स मतलब हिंसा, जिसकी वजह से क्या हुआ, धंधे में नुकसान, बिजनेस क्लास नाराज थी। That's why बिजनेस क्लास ने ही प्रोटेस्ट करवाया और किंग चार्ल्स को हरा दिया, और किंग चार्ल्स को वहां से राजगद्दी से हटा दिया। क्योंकि राजा रजवाड़े अपने खुद के महत्व के लिए वॉर करते हैं, वो धंधादारी नहीं देखते, वो बस ईगो देखते हैं। इसे किंग चार्ल्स को हटाया और नेक्स्ट किंग आए थे किंग्स जेम्स। ये भी सिचुएशन को सुधार पाए नहीं, जेम्स भी सिचुएशन को नहीं सुधार पाए, ओके, दैट्स व्हाई वहां की पार्लियामेंट ने किंग जेम्स को भी हटा दिया और कहा कि भाई ये जितने भी किंग्स हैं वो खुद के फायदे के लिए वॉर करते हैं, और ये खुद के फायदे के लिए क्यों वॉर करते हैं किंग्स लोग, कौन उसको सपोर्ट देता है, तो धर्म उनको सपोर्ट देता है। कौन सपोर्ट देता है? धर्म। किंग को किंग बनाने वाला कौन है? धर्म, जिसको अपने बोलते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। इंडिया में भी राजसूय यज्ञ करो, राजा बनो, राजा बने कैसे, यज्ञ करवा के। अशोक ने भी दैट्स व्हाई टाइटल यूज किया था, देवनाम पियादसी अशोक राजा, देवों के प्रिय। क्यों प्रजा प्रिय नहीं किया, देवों के प्रिय ही क्यों किया, ईश्वर के साथ तुलना। दैट्स व्हाई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में पार्लियामेंट ने किंग जेम्स को भी हटाया और किंग की डिवाइन राइट्स को हटा दिया। अब किंग की डिवाइन राइट्स रहेगी नहीं, किंग वही करेगा जो उसको पार्लियामेंट कहेगी। अब किंग है उसके पास डिवाइन राइट्स नहीं है, किंग वही करेगा जो पार्लियामेंट कहेगी। पहले किंग भगवान का होता था, अब किंग प्रजा का हो गया। पार्लियामेंट मतलब प्रजा, वोट, पार्लियामेंट मतलब क्या, प्रजा, प्रजा के गिने हुए मेंबर, चुने गए मेंबर वहां पे बैठते हैं, पार्लियामेंट मतलब प्रजा ही। तो अब किंग वही काम करेगा जो प्रजा कहेगी, क्लियर, डिवाइन राइट्स हटा दिए। कैथोलिकिज्म जो था वो किंग को सपोर्ट करता था इस सब चीजों में, दैट्स वाई प्रोटेस्टेंट जो थे वो कैथोलिक के खिलाफ थे, और प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने डिमांड की थी कि ब्रिटेन में क्या आ जाए,
पार्लियामेंट। अब क्योंकि पार्लियामेंट आ जाएगी तो पब्लिक का सुनने में आएगा, किंग वही करेगा जो पब्लिक कहती है, और पब्लिक को क्या पसंद है, पैसा पसंद है। ओके, पब्लिक को पैसा पसंद है, और पब्लिक को पैसा कौन दे पाता था, कैपिटलिज्म। दैट्स व्हाई आने वाले टाइम पे वहां पे स्टेबिलिटी आ गई, वॉर्स कम हो गए, वॉर्स कम हो गए, पार्लियामेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर था वो 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहता था, स्टेबिलिटी। राजा रजवाड़ों में क्या होता है, कोई भी किंग दूसरे किंग को मार डालता है, वो खुद किंग बन जाता है, इनस्टेबिलिटी। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है उसमें क्या होता है कि 5 साल तक तो आप रहोगे, जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, स्टेबिलिटी मिल गई, दैट्स व्हाई पॉलिसीज स्मूथली चलने लगी, एंड यू कैन सी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ग्रो इन इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड बिकम द सुपर पावर दैट टाइम। ओके क्लास, सो यहां से आपको जानने मिला कि क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही सक्सेसफुल गया था। थैंक यू वेरी मच।